Today we will discuss about the paramecium. At the last term, we studied about the external morphology of the paramecium. Today we will discuss about the physiology of the paramecium. Paramecium ki physiology ke baare mein aaj hum log discuss karenge. Ke jaise humne euglena padha tha, to wahan pe pehle humne morphology padhi thi, then physiology padhi thi, then reproduction padha tha. वैसे ही बिल्कुल सेम पैटर्न पे हम इस पैरामीशियम के साथ भी पढ़ेंगे. हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी पढ़ ली है और अब हम लोग पढ़ेंगे इसकी फिजियोलॉजी के बारे में. देखिए मैं स्क्रीन आपको शेयर कर रहा हूँ. स्क्रीन मेरी दिख रही होगी आप लोगों को. स्क्रीन दिख रही है भाई? किसी को कोई माइक अपना अनम्यूट करके बताएगा मुझे? माइक अनम्यूट करो भाई. कोई कौन करेगा म्यूट? स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? कोई नहीं बताएगा. ओके यस सर, ठीक है. माइक कोई ऑन नहीं करेगा. तो पैरामीशियम के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे. कोई भी अपना हैंड रेज मत करो भाई. अननेसेसरी आप हैंड रेज करेंगे तो हम तो बुक कर देंगे आपको. हैंड रेज का ऑप्शन है. हैंड रेज का ऑप्शन जब आएगा, जब आपको कुछ बोलना होगा तो हम आपको बताएंगे. ठीक है, कोई भी इंटरफेरेंस ना करिए आप. पैरामीशियम का हम लोगों ने क्या पढ़ा था? क्लासिफिकेशन पढ़ा. ये जो भी स्क्रीन पे चला रहा है मैं सबको रिमूव कर दूंगा क्लास से. पढ़ना है तो आप क्लास में आइए, अदरवाइज मत आइए क्लास में मेरी. एक्सटर्नल फीचर के बारे में हम लोगों ने लास्ट टाइम पर डिस्कस किया था और उसमें बताया था मैंने आपको कि शेप कैसी होती है. ओके, फिर बताया था कि पेलिकल का क्या रोल होता है, सीलिया का क्या रोल होता है. देन बताया था मैंने कि दो तरीके के सीलिया होते हैं, एक ओरल सीलिया बताए थे और एक बॉडी सीलिया. उसका डायग्राम बताया था. ठीक है, फिर उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था कि न्यूक्लियस कैसा है इसका. दो तरीके का न्यूक्लियस बताया था. एक बताया था मैंने मेगा न्यूक्लियस या मैक्रो न्यूक्लियस, दूसरा बताया था माइक्रो न्यूक्लियस या स्मॉल न्यूक्लियस. फिर एक बताया था कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. तो ये बात करी थी हम लोगों ने किसकी? ये था हमारा मॉर्फोलॉजी. अब हम डिस्कस करेंगे इट्स फिजियोलॉजी, राइट? ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जैसे हमने यूग्रीना में पढ़ी थी और पहली फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को हमने जब पढ़ा था तो बताया था कि वहां इग्विना में न्यूट्रिशन. ऐसे ही सेम बिल्कुल उसी पैटर्न में हम पहली जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है पैरामीशियम की वो है न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर पैरामीशियम जो है वो कैसे अपने आप को भोजन प्राप्त कराएगा, कैसे वो फूड को लेता है, फूड को प्राप्त करने का क्या पैटर्न है. जब हमने युगलीना पढ़ा था तो हमने बताया था कि उसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होता है होलोफिटिक. यहां पर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है
वो है कैसा? होलो जो एक। तो होलो जो एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ये शो कर रहा है, माइक नहीं ऑन हो रहा है, कनिष्का शर्मा बोल रही है। चलिए बताऊंगा मैं आपको माइक कैसे ऑन होगा, जब ये लेक्चर हमारी क्लास खत्म होने वाली होगी तब हम बताएंगे आप लोगों को, जिसको जिसको ये दिक्कत हो रही है कि माइक उसका ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम ये पढ़ते हैं। क्या ऑडियो मेरी आ रही है आप लोगों को? माइक ऑन करके देखो, माइक पे टच करो और माइक को अनम्यूट करके बताओ मुझे। अनम्यूट देमसेल्फ। चलिए मैंने 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 ऑप्शन खोल दिया है, देखिए किसी का माइक ऑन हो रहा यस है। सर, यस सर, यस सर, यस सर, ओके, यस मेरी आवाज आ सर, रही है? यस यस सर, सर, यस क्लियर आ जा रही है? सर, क्लियर हो रहा? यस सर, यस सर, ओके, थैंक यू। तो वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिशन इन द पैरामीशियम, राइट। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने जब यूक्लिना के केस में बात करी थी, तो वहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यूक्लिना में जो न्यूट्रिशन है वो होलोफिटिक है। ठीक है, अब हम यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पैरामीशियम है वो कैसा न्यूट्रिशन को शो करता है। इट इज शोज द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को जो मैंने बताया था आप लोगों को, ये बताया था कि होलो का मतलब बताओ भाई, कोई होलो का मतलब बताओ, कोई पढ़ चुके हो लास्ट टाइम पे इंग्लिश ने जब पढ़ा था, कौन बताएगा होलो का मतलब? होल होल? नहीं, होल नहीं होता है, पूरा नहीं पूरा नहीं होता है वो, WHOLE होल होता है। मैं इस होलो की बात कर रहा हूं, देखो HOLO होलो। और बताओ भाई कोई, एनीबॉडी? सर, हेट्रो सर, इंगल्फ करना, होलो मींस कप इंगल्फ करना, करना। नो, यस सर। इट्स अ रॉन्ग आंसर। सर, प्राणी संबोधन, नहीं, वो तो होलोजोइक की बात हो गई पूरी। मैं बात कर रहा हूँ केवल जो वर्ड है होलो, HOLO, होलो का मीन्स क्या होता है? कोई नहीं बताएगा? होलो का मतलब होल होता है। नो, होल नहीं होता है। नो, इसका मतलब तुम लोग पीछे जो भी तुम्हें बताया जाता है वो सब लोग तुम लोग जो है वो भूल जाते हो। अनमोल कौर ने लिखा है डीप टेक्नो कैमोनॉन I4 कह रहे हैं कि सॉरी सर। पहले तो एक काम करो, देखो आप अपने जहां पे आपका फोटो या वीडियो बन के आ रहा है वहां पे जब आप क्लिक करेंगे तो 3 डॉट बन के आएंगे, और उन 3 डॉट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो लिख के आ रहा होगा रीनेम। तो जिसका नाम नहीं दिख रहा है तो वो अपना अपना नाम लिख ले, रीनेम करके अपना जो भी उसका नाम है वो नाम लिख सकता है। ठीक है, खैर होलो का मतलब होता है, मैंने लास्ट टर्म पे भी बताया था जब इवनी ने बताया था पढ़ाया था, होलोफिटिक न्यूट्रिशन का जो मतलब था होलोजोइक, यानी कि होलो जो वर्ड है उस होलो का मतलब होता है सेम एज, यानी कि उसी के जैसा। अब किसके जैसा? सेम एज मतलब जोइक, जोइक वर्ड जब है लिखा हुआ तो मैंने पिछली बार भी बताया था, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं जो आप बात मैं कहता हूं वो लगता है आप लोग या तो सुनते नहीं है प्रॉपरली और उस बात को ध्यान से जो है वो अपने दिमाग में जो है वो रखते नहीं है। जोइक का मतलब होता है एनिमल, यानी कि जू वर्ड होगा, जोइक वर्ड आएगा मतलब हम बात करेंगे इसके रेफरेंस में, एनिमल के रेफरेंस में बात करेंगे। और जब फिटिक वर्ड आता है तब हम बात करेंगे प्लांट के केस में। तो होलो का मतलब देखिए यहाँ पे, होलो का मतलब बताया मैंने सेम एज, सेम एज कैसे? जोइक जू, यानी कि एनिमल की तरह। तो पैरामीशियम भी न्यूट्रिशन करता है कैसे? जैसे दूसरे एनिमल न्यूट्रिशन लेते हैं, यानी कि ये शो करेंगे हेटरोट्रॉफिक मोड को। हेटरोट्रॉफिक मोड का मतलब ये हुआ कि हम अपना फूड खुद नहीं बना पाएंगे। करो
कश्मीर सिंह अपना हाथ, तुम्हारा जो हाथ का ऑप्शन है रेज हैंड का, आहे रेज हैंड कर रहे हो, ज्यादा रेज हैंड करोगे तो रिमूव कर देंगे तुम्हें क्लास से। कोई भी हैंड रेज नहीं करेगा। हैंड रेज का ऑप्शन ये होता है कि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है और वो जब हम पूछ कहेंगे कि हाँ भाई कोई कुछ किसी को पूछना है तब तो आप हैंड रेज करिए, हम जो है वो उसको अलाउ कर देंगे, राइट। खैर, तो होलोजोइक का मतलब है जैसे दूसरे एनिमल अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड होते हैं प्लांट्स पर या किसी दूसरे एनिमल पर, बिल्कुल लाइक दैट, उसी की तरह जो पैरामीशियम है वो न्यूट्रिशन करेगा, वो डिपेंड होगा किसी दूसरे एनिमल पर, डिपेंड होगा या किसी दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड होगा। बेसिकली ये बहुत ही जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं, स्मॉल प्लांट्स होते हैं जैसे एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, लाइक दैट डायटम्स, ऐसे लिविंग बींग्स पर क्या करता है, ये फीड करता है। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का सीधा सीधा मतलब ये है कि वे एनिमल जो अपना फूड खुद नहीं बना पाते हैं और अपने फूड को क्या करते हैं। केपी सिंह कह रहा है कि मेरी आवाज नहीं आ रही, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही भाई, क्या आ सर आ रही आ रही है, इट्स रही क्लियर। है? ठीक, ओके, थैंक यू। तो होलोजोइक का मतलब ये है कि जैसे हम फूड लेते हैं, यानी कि हम अपना फूड खुद नहीं बना पाते हैं, हम अपने फूड के लिए डिपेंड है किस पर, प्लांट्स पर, हम प्लांट से अपना फूड लेते हैं, तो हम किस कैटेगरी में आते हैं, हम भी इसी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि हेटरोट्रॉफिक टाइप्स में हम आते हैं। बिल्कुल वैसे ही जो पैरामीशियम है ये इगुलिना की तरह अपना फूड नहीं बना सकता है, और अपना फूड ना बनाने की वजह से ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है, ये कहलाता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन तो हो गया ये, अब इस होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम कह रहे हैं कि आखिर ये जो एनिमल है ये कैसे न्यूट्रिशन लेगा। तो इस न्यूट्रिशन को लेने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं, सबसे पहले वो क्या करता है, इंजेशन करता है। और ये बात ध्यान रखना, जब अब हम जो न्यूट्रिशन पढ़ेंगे उनमें जो स्टेप्स आएंगे तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो इंजेशन कहलाता है, दूसरा स्टेप डाइजेशन कहलाता है, तीसरा स्टेप एसिमिलेशन कहलाता है, और चौथा स्टेप इजेशन कहलाता है। तो इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन और इजेशन, इस कंप्लीट यानी कि जो चार स्टेप्स हैं, इन चार स्टेप्स को मिलाकर जो न्यूट्रिशनल एक्टिविटी है, फिजियोलॉजी है, वो कंप्लीट होती है। तो चारों का मतलब मैं बता देता हूं आपको, ये चार आपको ध्यान रखने हैं, और जितने भी एनिमल्स आएंगे आगे वो एनिमल लगभग लगभग इन्हीं पैटर्न्स को फॉलो करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी बात करें तो हम भी इंजेशन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, एसिमिलेशन करते हैं और इजेशन करते हैं। इंजेशन का सीधा सीधा मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड, फूड को लेना, वो चाहे हम लिक्विड फूड ले रहे हो चाहे हम सॉलिड फूड ले रहे हो, अलग अलग तरीके से। अगर हम लिक्विड फूड लेते हैं तो कुछ हम उसे कुछ और बोलते हैं, उसका टर्म अलग होता है, वो बताएंगे हम आपको, और अगर हम लिक्विड फूड ले रहे हैं तब उसका टर्म अलग होता है। जब हमने फूड ले लिया, फूड हमारे फूड पाइप से होता हुआ हमारे स्टमक तक पहुंच जाता है, हमारे इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन पहुंचता है, तो वहां स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन। ये बात कर रहे हैं हम अपने केस की, मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं केवल। डाइजेशन के बाद जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तब होता है एसिमिलेशन, यानी कि जो फूड डाइजेस्ट हो गया उसे क्या कर लिया, हमारी बॉडी ने, हमारी सेल्स ने, हमारी इंटेस्टाइन ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। और जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है, यानी कि जो बॉडी के लिए हमारा वेस्ट मटेरियल हो जाता है, वो क्या करती है, बॉडी हमारी बॉडी से बाहर रिमूव कर देती है, वो प्रोसेस कहलाती है इजेशन। तो पहला इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एसिमिलेशन, चौथा इजेशन, इन चार स्टेप्स में कंप्लीट होता है न्यूट्रिशन, ठीक है भाई। तो अब पहला स्टेप हम पैरामीशियम के केस में पढ़ रहे हैं, इंजेशन, और इंजेशन में लिखा हुआ है कि पैरामीशियम एनगल्फ्स फूड बाय द यूज ऑफ सीलिया, ठीक है।
अब जब यूज ऑफ सीलिया लिखा हुआ है तो लास्ट टर्न पे जब हमने आपको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बताई थी तो हमने बताया था टाइप्स ऑफ सीलिया, सीलिया के टाइप्स के बारे में हमने आपको बताया था और ये बताया था कि दो तरीके के सीलिया होते हैं। तो अब आप ये बताएंगे कि सीलिया, उन सीलिया का नाम क्या है जो न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं। ठीक है भाई, चैतन्य बताओ, माइक अनम्यूट करो अपना, मैं जिसका नाम बोलूंगा वो बताएगा। चैतन्य बताओ द नेम ऑफ सीलिया विच इज इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशनल एक्टिविटी। चैतन्य आर यू लिसनिंग टू मी और नॉट? यस सर। हाँ, तो गिव द आंसर। द क्वेश्चन इज दैट द नेम ऑफ द सीलिया विच इज इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशनल एक्टिविटी। क्या होगा चैतन्य, नहीं बताओगे? आवाज नहीं आ रही है मेरी। चलिए मैं रिपीट करता हूं अभी क्वेश्चन को। क्वेश्चन मेरा ये है, आवाज आ रही है आपके लिए चैतन्य? कोई और बताओ भाई कि मेरी आवाज आ रही नहीं आ रही है? आ रही है सर। यस सर, ऑडिबल। तो बताओ फिर, चैतन्य को नहीं आ रही आवाज है? चलिए सर, ओरल सीलिया। ओरल सीलिया, अच्छा सर्च कर लिया तुमने देर में? नो सर। किसने आंसर दिया ये? नाम बताओ अपना। 1 2 3 4 5 6 पे कौन है भैया? सर रीका। रीका, देखो अब मैं तुम्हें तुम्हारा नाम इस पे लिख दे रहा हूँ, रीका। ठीक है, आप अपना नाम खुद कर सकते हैं, इसमें रीनेम का ऑप्शन आता है, फिलहाल मैं कर दे रहा हूँ रीका। ठीक है, देखो तुम्हारा नाम आ गया यहाँ पे, दिख रहा है तुम्हें? अब तुम्हारा नाम क्या आ रहा है? रीका। गुड, चलिए रीका ने आंसर दिया है कि उनको बोलते हैं हम ओरल सीलिया। तो जो सीलिया इन्वॉल्व है किसमें? न्यूट्रिशनल एक्टिविटी में, उनको हम ओरल सीलिया बोल रहे हैं। और ये ओरल सीलिया क्या करते हैं? हेल्प कराते हैं किसमें? किसी भी फूड पार्टिकल को एनगल्फ करने में। एनगल्फ का मतलब होता है सीधे सीधे निगल जाना। सॉलिड फूड पार्टिकल को क्या होता है? पैरामीशियम, जो सॉलिड फूड पार्टिकल्स हैं उनको एनगल्फ कर लेता है, निगल लेता है। और मैंने लास्ट टर्न पे जब बताया था आपको कि पैरामीशियम में जब स्ट्रक्चर हमने पढ़ाया था आपको, तो ये बताया था कि इसमें क्या होता है कि ओरल ग्रूव होता है, और ओरल ग्रूव का जो पोर्शन है उसको माउथ बोलते हैं या साइटोस्टोम बोलते हैं। तो जिस वजह से ये जो पोर्शन है, इसी पोर्शन पर क्या करता है पैरामीशियम किसी भी फूड पार्टिकल को, इस ओरल ग्रुप के थ्रू विद द हेल्प ऑफ ओरल सीलिया क्या करता है? एनगल्फ कर लेगा, निगल लेगा। तो फूड पार्ट सॉलिड फूड पार्टिकल को एनगल्फ कर लेना कहलाता है फैगोसाइटोसिस। कॉपी पेन को साथ में रखा करो जिस समय पढ़ रहे होते हो, तो जो टर्म मैं बोल रहा हूँ, जो चीज मैं बोल रहा हूँ, वो तो कम से कम आप अगर लिख लेंगे, दोबारा से अगर रिमाइंड करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो इंजेशन का मतलब होता है फूड पार्टिकल को लेना, एनगल्फ करना, इनटेक करना। पैरामीशियम क्या कर रहा है? सॉलिड फूड को ले रहा है, किसकी सहायता से? सीलिया की सहायता से, और वो सीलिया कहलाते हैं ओरल सीलिया। ठीक है भाई, जब ओरल सीलिया की हेल्प से इसने क्या कर लिया? एनगल्फ कर लिया। एनगल्फ करने के बाद फूड क्या होता है? अब चूंकि ये यूनिसेलुलर है, अब इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक तो है नहीं, जैसे हमारे अंदर क्या है, ठीक है, पहले फारिंग्स आता है, आइसोफेगस आएगा, देन स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, लार्ज इंटेस्टाइन आती है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हम मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम को बिलोंग करते हैं। पैरामीशियम करता है यूनिसेलुलर, यानी कि सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है, और उसी सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर में
सारे के सारे फंक्शन करने होंगे इसको, तो उस सेल में क्या हो गया कि जो फूड लिया इसने वो सेल में पहुंच गया। अब जब सेल में पहुंच गया तो पैरामीशियम क्या करता है, उस फूड के चारों ओर एक कवर बना लेता है, यानी कि एक वैक्यूल बन जाती है, जिसे बोलते हैं फूड वैक्यूल। यानी कि फूड बंद हो गया किसमें, एक वैक्यूल के अंदर बंद हो गया, और वो वैक्यूल क्या करेगी, अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करना स्टार्ट कर देगी। जो डाइजेस्टिव जूस है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, वो उस वैक्यूल में सिक्रीट होना क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। और जब सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाते हैं तो धीरे धीरे फूड का क्या होने लगता है, डाइजेशन होने लगता है। अब जब डाइजेशन होने लगता है तो यहाँ पर देखिए एक ब्लू कलर से बोल्ड करके मैंने लिखा हुआ है, डाइजेशन इन पैरामीशियम इज टर्न्ड एज इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। इंट्रासेल्युलर क्या लगता है, डाइजेशन, बताएगा भाई कोई इंट्रासेल्युलर डाइजेशन क्या होता है? यस सर, बताओ पहले, पहले अपना नाम बताओ। बोधिका, कौन बोल रहा है, बोधिका, बोधिका, हाँ बताओ बोधिका। सर जब साइटोप्लाज्म के अंदर ही डाइजेशन होता है, सेल की साइटोप्लाज्म के अंदर ही डाइजेशन होता है, दैट्स इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। साइटोप्लाज्म के अंदर जब डाइजेशन होता है तब उसे बोलते हैं इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। अच्छा अगर हम थोड़ा सा टर्म बदल दें, हम कहें इंटरसेल्युलर डाइजेशन, तब क्या बोलेंगे सर? सेल के अंदर साइड से 1/1, 1/1, हां क्या बोलेंगे, सेम? नो सर, आउटसाइड। नो सर, आउटसाइड किसके, साइटोप्लाज्म के या सेल के? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के बाहर, सेल के अंदर सर? सेल के भी बाहर ही होगा। सेल के बाहर कहाँ, रोड पे? यस सर। सेल के बाहर कहाँ पे, रोड पे होने लगेगा क्या फिर? सर जो हम लोगों की बॉडी में जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक में होता है ना, सर जस्ट लाइक, चलो ठीक, थोड़ा सा और पढ़ो और थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। इंट्रासेलुलर, जब हम लोग सेल से बाहर, मतलब रोड पे नहीं, मतलब जब जैसे कि अब डाइजेस्टिव ट्रैक के कैनाल के अंदर होता है तब वो सेल से बाहर आ जाता है, सेल के बाहर आ जाता है। तो उन्हें वही, मतलब मेरे कहने का पर्पज है कि जब सेल के बाहर आ रहा है तो आखिर वो जगह क्या है, अगर अगर सेल के बाहर आ रहा है क्या हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के कैनाल सेल के बाहर है ना? देखिए सेल के बाहर तो बोलेंगे, थोड़ा सा इसे और करेक्ट करो। yes, sir. ये आप अगर इस बात को 9th, 10th, 11th, सर गट और वी कैन सी, सर गट और वी कैन सी कैविटी, कैविटी तो खैर नहीं बोलेंगे। देखिए इसको हम बोलेंगे क्या, सीधा सीधा हम इसको ये बोलेंगे कि आउटसाइड ऑफ द सेल तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसको आउटसाइड ना बोल के इसको हम बोलेंगे क्या, इन बिटवीन द सेल। क्या बोलेंगे, अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हो, अगर आपने फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ी हो तब आपने वहां पर अ काइंड ऑफ फोर्स पढ़ा होगा, जिसे बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स, पढ़े आपने? यस सर। जब इंट्रामोलिकुलर फोर्स पढ़े हैं तो आपने वहां पढ़ा होगा, इंट्रामोलिकुलर फोर्स का मतलब होता है फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स से क्या हो रहा है, बीच में अगर कोई फोर्स लग रहा है, तो ये जो डाइजेशन होता है ये क्या हो रहा है, अगर हम इंटरसेलुलर की बात करना, सॉरी जब इंटरसेलुलर की बात करते हैं तो बिटवीन टू सेल्स के बीच में जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं क्या, इंटरसेलुलर। लेकिन चूंकि ये सिंगल एनिमल, सॉरी यूनिसेलुलर है, उसी सेल के अंदर ही होना है, तो अगर साइटोप्लाज्म में हो रहा है डाइजेशन तो इस काइंड ऑफ साइटोप्लाज्म में जो डाइजेशन होगा उसे बोलेंगे हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन, राइट? तो इजेशन हो गया, एंगल कर लिया, डाइजेशन हुआ, यानी कि फूड जब पहुंचा अंदर, वैक्यूल में पहुंचा, और वैक्यूल
पहुंचने के बाद क्या हुआ कि फूड डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट होना चालू हो गए, और डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे ही सिक्रीट हुए देन डाइजेशन स्टार्ट हुआ, और जो डाइजेशन स्टार्ट हुआ वो डाइजेशन कहलाया इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब सीधा सीधा ये बताया भाई बोधिका ने कि अगर सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ठीक है, सेल के अंदर हो रहा है और उसके साइटोप्लाज्म में हो रहा है, तो हम उसे बोलते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अक्सर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है एग्जाम में कि पैरामीशन में पूछ लेगा वो कि इंट्रासेलुलर है या इंटरसेलुलर है, तो आंसर होगा आपका इंट्रासेलुलर, राइट। अब जब डाइजेशन हो गया उसके बाद मैंने आपको स्टेप बताया कि अब एसिमिलेशन होगा, यानी कि वो जो सेल है वो जो डाइजेस्टेड फूड है उस फूड को, यानी कि जो फूड एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि वो पार्ट जो एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है उस पार्ट को क्या करेगी, वो सेल एब्जॉर्ब करेगी, स्टोर कर लेगी, और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, एसिमिलेशन। स्टोर कर लिया, स्टोर करने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता रहेगा, धीरे धीरे बनती रहेगी क्या, उससे एनर्जी का कन्वर्जन होता रहेगा, जिससे वो एनिमल अपनी बाकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में उस एनर्जी को क्या करता है, यूज करता है, इस्तेमाल करता है। तो इस प्रोसेस को बोला हमने क्या, एसिमिलेशन, ठीक है। और एसिमिलेशन के बाद फाइनली जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या लिखा हुआ, द अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड आउट थ्रू एनल पोर, जिसे हमने साइटोपाइज नाम दिया था। देखिए डायग्राम दिखा रहा हूं मैं आपको, उस डायग्राम में आपको मिलेगा क्या, देखिए ये एनल पोर बना हुआ है साइटोप्रोक्ट, ये साइटोस्टोम था, ये माउथ था, यहां से ये अंदर आया फूड और यहां से ये बाहर जाएगा। और प्रोसेस क्या होती है, देखिए फूड आया यहां से बक्कल कैविटी में, यहां से फूड वैक्यूल बन गई है, और ये लगातार पूरी बॉडी में क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, सर्कुलेटिंग हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं साइक्लोसिस। और साइक्लोसिस होने के बाद जब फूड डाइजेस्ट हो गया, अनडाइजेस्टेड फूड देखिए इस साइटोपाइस से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ये प्रोसेस हुई किसकी, रिपीट द टर्म, साइटोपाइस या एनल पोर, इट इज अ साइटोपाइस और एनल पोर, जिससे क्या कर रहा है, ये अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करेगा, रिमूव करेगा, एक्सपेल्ड करेगा बॉडी से बाहर। ये जो वेस्टिबुली है, ये जो पोर्शन है जिसे हम ओरल ग्रुप बोलते हैं, ये जो मैं दिखा रहा हूं, देखिए यहाँ पे कटर चल रहा है, ये है सेल माउथ, यहां से फूड एंगल करता है, फूड वैक्यूल बनती है, ये वैक्यूल घूम रही है पूरी बॉडी में, डाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन होने के बाद फूड एब्जॉर्ब कर लिया गया जो डाइजेस्टेड फूड था, और अनडाइजेस्टेड फूड आके इस वैक्यूल के द्वारा इस साइटोपाइस से क्या हो गया, बॉडी से बाहर एक्सपेल्ड हो गया। तो ये प्रोसेस हुई किसकी, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, समझे भाई। अब बताओ किसको क्या पूछना है, न्यूट्रिशन मैंने बताया आज आपको, एक एक्टिविटी पढ़ाई है, अगली एक्टिविटी कल, यानी कि कल हम पढ़ाएंगे लोकोमोशन, ठीक है भाई। अब किसी को कोई ऐसा क्वेश्चन जो इस पैरामीशियम के न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, जो बात ना समझ में आई हो, ठीक है, वो बात पूछ सकते हैं, या फिर मैं पूछूंगा एक एक करके सबसे। सबको आता है न्यूट्रिशन, सर साइटोपाइज बोलते हैं कि साइटोप्रोक्ट बोलते हैं, दोनों एक ही नाम है, आप उसे साइटोप्रोक्ट भी बोल सकते हैं, साइटोपाइज भी बोल सकते हैं, एनल पोर भी बोल सकते हैं। ओके सर, हाँ, आप आइदर साइटोप्रोक्ट, आइदर साइटोपाइज, आइदर एनल पोर, व्हाटएवर यू वांट टू से, जो आप बोलना चाहते हैं, जो आपको लगता है कि कन्वीनियंट है बात करने में, बोलने में, याद रखने में, तो वो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको कर सकते हैं। और एक नोटिस मैं आपको बता रहा हूं, मैं अगले 2 या 3 दिनों में आपको एक टेस्ट पेपर दूंगा इबुलिना से रिलेटेड थियोरेटिकल,
ठीक है भाई, दो या तीन क्वेश्चन होंगे उसमें शॉर्ट आंसर, और वो आपको मैं इसी क्लास के दौरान दूंगा, और आपको वीडियो ऑन करके उनका आंसर लिख के उनका पीडीएफ बना के मुझे पर्सनल, या तो आप मेरे ईमेल पे, मैंने सबसे ईमेल मांगा था मेरे ख्याल से गोदिका और एक किसी और ने दिया था, और उन दो के अलावा किसी ने अपना ईमेल नहीं दिया मुझे, जिससे कि मैं उन्हें गूगल क्लासरूम पे ऐड कर पाता। अदरवाइज तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे देता, टेस्ट पेपर बना कर देता गूगल क्लासरूम पे, और आपसे बोलता कि आप जो है वो टेस्ट पेपर हल करिए और मुझे उसका पीडीएफ बना के गूगल क्लासरूम में डाल दीजिए। लेकिन किसी ने डाला नहीं, थोड़ा सा टेक्निकली एडवांस होइए। तो किसी को कुछ पूछना हो भाई? कल या परसों किसी ने मैसेज किया था, मैं पाली, मैं हरदोई से रहती हूँ, हरदोई की रहने वाली हूँ, और मैं कॉलेज पहुंची। तो अगर आप दूर से आते हैं तो पहले आप कम्युनिकेट कर लें, आप मैसेज कर सकते हैं। एनीबडी वॉन्ट्स टू अबाउट द न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम? नो, सबको आता है? यस सर। हाँ बताओ सर, जो पहले के टॉपिक जो छूट गए, जो ज्वाइन नहीं कर पाए, वो सर कैसे होगी? उनके लिंक देखो ग्रुप में पड़े हैं सब, वो सारे रिकॉर्डेड वीडियो, जो क्लास का लेक्चर हुआ है, हर क्लास का जो लेक्चर होता है वो रिकॉर्डेड होके यूट्यूब का उसका लिंक डाल दिया जाता है। आप उस लिंक को क्लिक करके आप जो है क्या कर सकते हैं, उसको दोबारा से देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। ना समझ में आएगा वो तो आदर्श सर वाली पढ़ी है, मेरे भी पढ़े हैं। देखो ओके सर, मेरे भी पढ़े हैं। ठीक है ओके। तो और किसी को कुछ पूछना हो तो कोई रिलेटेड क्वेश्चन, एनीबॉडी वांट्स टू? क्या तुम लोगों का मैं एक जूलॉजी में कोई स्पेशल लेक्चर कराऊं भाई? इफ यू वांट टू लर्न अबाउट अ स्पेशल लेक्चर अबाउट द जूलॉजी, जैसे आपका बॉटनी में एक स्पेशल लेक्चर हुआ था, अगर आप स्पेशल लेक्चर सुनने या पढ़ने का इच्छा रखते हैं तो बताइए, अदरवाइज मैं क्लास को एंड करता हूँ। चलिए ठीक है, तो कल हम लोग सेम टाइम पे मिलेंगे, मैं लिंक जो है वो आपको ग्रुप में दे दूंगा। ठीक है भाई, और आज की क्लास को हम फिर मैं एंड करता हूँ। ओके सर। हाँ बताओ। सर एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन सर, सेल चैप्टर से है सर, कैन आई आस्क? आप पूछ सकती हो, वैसे हालांकि तुम्हें केशव सर से पूछ नहीं था, तो फिर भी पूछो, बताओ क्या जानना चाह रही हो? सर ये जो 40S सब यूनिट होता है ना, और जो 60S सब यूनिट, सर वो दोनों कंबाइन होके 80S होता है ना सर, वो 100S क्यों नहीं होता है? एक्चुअल में वो जो आप पढ़ते हैं 40X और वो 40S और 60S, मेरे ख्याल से शायद उसका क्वेश्चन का आंसर देते हैं।